दोस्तों, इस नए चैप्टर की शुरुआत होती है फालमूत से, और ऐसा लग रहा है जैसे फालमूत के लोगों को रेपरेशंस देने वाली बात पता चल चुकी है। और डामराडा भी इस वक्त फालमूत में ही कहीं मौजूद है। उसे ये बात पता चल चुकी है कि टेम्पस ने चैम्पियन योम की मदद के लिए अपनी सेना भेजी है, जिसका मतलब ये है कि टेम्पस चैम्पियन योम और फालमूत के पुराने राजा किंग एडमारिस की तरफ से लड़ेंगे। मगर जानकारी के मुताबिक जो नए राजा किंग एडवर्ड हैं, उनका टेम्पस के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है। मगर यहाँ डामराडा की इच्छा ये थी कि फिलहाल रिमरू अगर सिर्फ हिनाटा पर फोकस रखे तो उनका यहाँ काम आसान हो जाता, और जाहिर है कि ऐसा नहीं है। फिर अगले ही पैनल में हमें पता चलता है कि डामराडा ने हिनाटा और उसकी ताकत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले साल वीडियो में बताया था कि डामराडा की ऑर्गेनाइजेशन हिनाटा साकागुची को अपने लिए खतरा मानते हैं, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बात करी हुई है। अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ ऊपर आए बटन पर क्लिक करके एक और बार देख लेना, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। मगर फिलहाल डामराडा की प्रायोरिटी हिनाटा नहीं बल्कि वो डीमन है जिसने आर्च बिशप रहीम को मार डाला। अब जो कि डामराडा की ऑर्गेनाइजेशन डीमन को मारने का ही काम करती है, तो वो यहाँ पर फालमूत के नए राजा किंग एडवर्ड के लिए आए हैं ताकि वो रहीम के कातिल को ढूंढ कर मार सकें। मगर रिपोर्ट्स के अनुसार फालमूत का सबसे काबिल होनहार और फालमूत का सबसे वफादार मैजिशियन राइजन अब उसी डीमन का नौकर बना हुआ है, और यह बात डामराडा को भी बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि फालमूत के इतिहास में किसी मैजिशियन ने वो ऊंचाई हासिल नहीं की जो फालमूत को सर्व करते हुए राइजन ने हासिल की थी। तो इसलिए फालमूत का सबसे ताकतवर मैजिशियन जो ही किसी चलते फिरते डीमन से हार गया, वो बात डामराडा के लिए पछा पाना मुश्किल है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट पैनल में हमें एक छोटा सा ग्राफ दिखाया गया है ताकि हम डीमन्स की हायरार्की समझ सकें, जिसका सिंपली मतलब ये निकलता है कि जो डीमन जितना पुराना होगा वो डीमन उतना ही पावरफुल होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द ईयर्स दे लिव्ड उनके पास उतने ही ज़्यादा मैजिकल्स होंगे और वो उतने ही ज़्यादा स्किल्ड होंगे, क्योंकि उन डीमन्स को उतना ही ज़्यादा वक्त मिलता है अपनी एबिलिटीज़ को चमकाने का। यहाँ डामराडा को पता है कि राइजन जैसा फालमूत का सबसे पुराना मैजिशियन और उसकी मैजिकल पावर्स एटलीस्ट नहीं बोल के भी मिडिवल टाइप डीमन के बराबर होंगी। तो ये सोचना कि कोई डीमन राइजन को हरा दे और वो भी जंग में, ये एक नामुमकिन वाली बात लगती है, अनलेस वो डीमन एंशंट प्रीहिस्टोरिक या प्राइमोडियल रैंक का हो। अब ये भी मानना डामराडा के लिए मुश्किल था, क्योंकि उसने कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में ये नहीं सुना कि किसी ने किसी प्राइमोडियल रैंक के डीमन को समन किया हो। बस ये सोचने भर से ही डामराडा की आंखें खुल गई और वो अपनी सेक्रेटरी को तुरंत ही ऑर्डर देता है कि सबको खबर कर दो और यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू करो, सिवाय दो चार लोगों के हम यहाँ से इसी वक्त कल्टी मार रहे हैं, क्योंकि जो भी डील उसके और राजा के बीच में हुई है वो वर्थ इट नहीं है अगर वो डीमन एंशियंट प्रीहिस्टोरिक या प्राइमोडियल रैंक का है तो। अब जो कि डामराडा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से कल्टी मार लेती है, तो यहाँ पर रहीम के कातिल को मारने की जिम्मेदारी अब नए राजा किंग एडवर्ड को ही पूरी करनी होगी, क्योंकि डामराडा को ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि यहाँ से कल्टी मार लेना ही फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर उसे ज़िंदा रहना है तो। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूँ कि ये स्लाइम की एक्सप्लेनेशन का नवा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जाओ जाकर पहले वो देख लो, और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन की ओर, तो चलो आओ यार शुरू करते हैं। दोस्तों, पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ फालमूत में ये खबर फैली हुई है कि पुराने राजा एडमारिस और चैम्पियन योम ने मिलकर टेम्पस को देने वाले जो भी रेपरेशन के फंड थे वो खा गए हैं, और वो दोनों फालमूत के किसी निडोल विस्तार में छुपे हुए हैं, और नए राजा ने 20,000 लोगों की सेना भेजी है उन्हें पकड़ने के लिए। दोस्तों, चैप्टर के अगले पैनल में हम डियाब्लो को देखते हैं जो निडोल के आसमान में कहीं उड़ रहा था, वहीं नीचे नए राजा की वो 20,000 लोगों वाली सेना और ओली चर्च के 10 ग्रेट सेंट्स में से के कुछ लोग वहाँ पर खड़े खड़े चिल मारते हुए हम देख सकते हैं। डियाब्लो वहाँ से हाकुरो को कॉल लगाता है और कहता है कि रुबेरियस से कुछ लोग तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, जो हो सकता है कि आगे चलकर किसी नेगोशियंस के लिए काम आए। तो हाकुरो कहता है कि ठीक है, मैं रंगा से कह दूंगा कि वो उन्हें जिंदा पकड़ ले। फिर डियाब्लो हाकुरो को दिलासा देते हैं कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। फिर यहाँ से डियाब्लो का थोड़ा मेलोड्रामा शुरू होता है, जो दर्शाता है कि डियाब्लो किस हद तक रिमरू की रिस्पेक्ट करता है, और उसका दिल टूट गया था ये सुनकर जब रिमरू ने डीमन लॉर्ड बनने के बाद उसे जाने के लिए कहा था। दोस्तों, आपका तो नहीं पता बट मैं डियाब्लो से इस लेवल की अफेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वैसे देखा जाए तो इससे अफेक्शन से ज़्यादा हम प्यार कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
मगर आज डिमन बिशप की मौत का इल्जाम लगा के फाल्मुथ ने रिमरू के सामने डियाब्लो की इज्जत का भाजीपाला कर दिया, जिससे वो बेहद नाराज है। मगर वो जानता है कि वो सिंपली सब कुछ तबाह और बर्बाद नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसे अगर रिमरू की नज़रों में फिर से अपनी इज्जत कमानी है तो पहले उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, और इसीलिए अब वो यहाँ आया है जहाँ फाल्मुथ के ढेर सारे जर्नलिस्ट और यहाँ के नए राजा किंग एडवर्ड स्वयं विराजमान है। और भाई डियाब्लो के वहाँ ज़मीन पर आते ही वहाँ खलबली मच गई, मगर राजा उतना हैरान नहीं था। वो डियाब्लो को यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में डियाब्लो कहता है कि मैं यहाँ वार्निंग देने आया हूँ, अपनी सेना को पीछे ले लो और चैंपियन योम के साथ हाथ मिला लो, वरना तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मैं वो मंजर दिखाऊंगा जो तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा और ना ही तुम कभी देखना पसंद करोगे। जवाब में राजा हंस पड़ा और कहता है कि हम सिर्फ यहाँ एडमारिस और चैंपियन योम से वो पैसा वापस लेने आए हैं जो रेप्रेजेंस के लिए रखे हुए थे और जो वो लोग खा गए हैं, और तुम यहाँ मेरे सामने जेंटलमैन बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। मैं जानता हूँ कि ये सारा कुछ तुम मॉन्स्टर्स का ही किया करा है। तुम लोग एडमारिस और योम के साथ मिलकर हमें लूटना चाहते हो, हमारे किंगडम को लूटना चाहते हो। और तो और दोस्तों, उसने रिमरू को भी नहीं छोड़ा। राजा ने डियाब्लो के सामने ही रिमरू की बेइज्जती कर दी, ये कहकर कि अगर कोई डिमन लॉर्ड सिर्फ कुछ पैसों के लिए इस तरह का खेल खेल सकता है तो आई डाउट कि वो बंदा कहीं से भी पावरफुल होगा। और यह सुनते ही डियाब्लो के तुरंत ही एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जिसके बाद उसकी शक्ल देखने लायक थी। मगर इन सब के बावजूद भी वो शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पहली प्रायोरिटी क्या है। मगर राजा यहाँ पर भी नहीं रुका, वो ग्लेंडा को क्रिस्टल बॉल लाने के लिए कहता है, जिसमें रहीम की मौत से पहले के कुछ पल रिकॉर्ड किए गए। हालांकि उस क्रिस्टल बॉल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो साबित कर सके कि रहीम को डियाब्लो ने मारा है। ये देखकर डियाब्लो समझ गया कि अब तो राजा एक्टिंग कर रहा है। राजा वहाँ मौजूद सभी जर्नलिस्टों के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि रहीम को डियाब्लो ने मारा है, ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर में उसकी तारीफ हो और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। राजा तर्क रखता है कि आर्च बिशप को एडमारिस योम और तुम डीमस के बीच चल रहे रेपरेशन के पैसों के घोटाले के बारे में पता चल गया था, और तुम्हें डर था कि वो कहीं चर्च को ये सारी बातें ना बता दे, इसलिए तुमने उसे धमकी देकर रुबेरियस भेजा ताकि वो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। मगर जब उसके अंदर से तुम्हारा डर खत्म हो गया और उसने चर्च को सारी बातें बता दी, तब तुमने खुद ही उसे मार दिया इससे पहले कि तुम्हारी हकीकत सारी दुनिया को पता चल सके। तो उसका मतलब तुम ही वो कातिल हो जिसने रहीम को मार डाला। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि राजा सिर्फ ये सब अगले दिन न्यूज़पेपर में आने के लिए कर रहा है, ताकि उसे पॉपुलैरिटी और सपोर्ट दोनों ही मिल सके। राजा इन सब के लिए खुद पर गर्व कर ही रहा था कि डियाब्लो ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। डियाब्लो का लुक देखते ही राजा की फटके चार हो गई और वो डर के मारे छुपने लगा। डियाब्लो कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ सबको सारी सच्चाई बताने के लिए आया था, मगर वो सब मेरे वक्त की बर्बादी होगी, क्योंकि तुम वो जानवर हो जो सच मानना ही नहीं चाहते, इसलिए मैं यहाँ अपना वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। इतना सुनते ही उस राजा की आंखों में डियाब्लो के लिए डर बैठ गया। फिर डियाब्लो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है खुद को बेगुनाह साबित करने का। वो कहता है कि तुमने अभी अभी कहा ना कि रहीम के अंदर मेरे लिए डर खत्म हो गया था, इसलिए उसने चर्च को सारी बातें बताई। डियाब्लो वहाँ मौजूद सभी लोगों को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर यहाँ किसी के भी अंदर मेरे लिए डर खत्म हो गया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच कह रहे हो और मैं फिर यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, मगर याद रहे अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सबको अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना सुनते ही वो राजा स्पेशली डियाब्लो के लिए बुलाए गए डीमन हंटर्स को डियाब्लो को ख़त्म करने के ऑर्डर्स देता है, और फिर वो सारे डियाब्लो को किसी चेन से बांध देते हैं, ये सोचकर कि डियाब्लो कोई आज डीमन है। मगर डियाब्लो सिंपली वहाँ खड़े खड़े लोगों से कहता है कि तुम्हारा ख़त्म हो जाए तो बता देना। डीमन हंटर्स को लग रहा है कि वो डीमन कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है, तो उसे सबक सिखाने के लिए सारे लोग मिलकर लाइटनिंग मैजिक का यूज़ करते हैं। उस मैजिक का स्केल देखकर राजा भी खुश था, बगैर ये जाने कि उस मैजिक का फ़ायदा हुआ भी है या नहीं। मगर धुआं हटने के बाद जब हंटर्स ने ये देखा कि डियाब्लो को तो कुछ भी नहीं हुआ, तब सारे हैरान हो गए, क्योंकि ना तो उनके चेन्स ने कुछ किया और ना ही उनके मैजिक ने। पहले तो सबको लगा कि उस डीमन ने जरूर किसी ट्रिक का यूज़ किया है, मगर जब डियाब्लो ने बताया कि उसने खड़े रहने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, तब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए, और ग्लेंडा तो उन हंटर्स पर हंस भी रही थी। मगर फिर डियाब्लो अपना हाथ ऊपर करके चुटकी बजाता है, जिससे वहाँ किसी तरह का बैरियर बन गया, ये इंश्योर करने के लिए कि इस लड़ाई में उन रिपोर्टर्स को कुछ ना हो, क्योंकि कल इन्होंने ही जाकर डियाब्लो के लिए अच्छी अच्छी खबरें छापनी है। फिर डियाब्लो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने डीमन ऑरा का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा रिलीज करता है,
जिससे वहाँ खड़े डीमन हंटर्स बेहोश हो जाते हैं और सिर्फ 3 लोग ही बच पाते हैं डियाब्लो के लॉर्ड्स एम्बिशन से। वेल, इतना कुछ होने के बाद भी उस हंटर को ये लगता है कि उसने जो ताकत दिखाई है वही उसकी लिमिट है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक आर्च डीमन है और एक आर्च डीमन की लिमिट यहीं तक होती है। उसके ज्ञान के मुताबिक कोई भी डीमन आर्च डीमन तक ही इवॉल्व हो सकता है, मगर डियाब्लो उससे कहता है कि ऐसा यूजुअली होता तो है, बट अगर कंडीशन सही हो तो कोई भी डीमन आर्च डीमन से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है कि तुमने कभी घी क्रिमजन के बारे में तो सुना ही होगा। और भाई, घी क्रिमजन का नाम सुनते ही उस हंटर का दिमाग घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगा। उसी वक्त उसे याद आता है कि डीमन्स की हमेशा हायरार्की होती है, कोई भी चीरी मेरी डीमन किसी प्राइमोडियल को उसके टाइटल के बगैर नहीं बुला सकता अनलेस उसे परमिशन मिली हो या फिर वो खुद सेम लेवल का हो। उसका सोचना ख़त्म हुआ भी नहीं था कि डियाब्लो किसी वाइट का नाम लेता है, यह सोचकर कि ईस्टर्न रीजन में वाइट ज़्यादा फेमस है। अब दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाइट कौन है और क्या है, उसकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मगर टाइमिंग देखकर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो कोई भी है वो भी एक प्राइमोडियल रैंक का या प्राइमोडियल रैंक की डीमन है। वाइट का नाम सुनते ही उसे तुरंत ही ये रियलाइज़ होता है कि जिससे वो बात कर रहा है वो कोई रास्ते पर घूमने वाला डीमन नहीं है, बल्कि वो प्राइमोडियल ब्लैक है। बस फिर क्या था, वो हिम्मत खो बैठता है और डियाब्लो से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, ये कहकर कि वो तो बस यहाँ कुछ पैसों के लिए काम करता है। इस सब के बाद डियाब्लो उसकी जान को बख्श देता है और कहता है कि जाते जाते तुम अपने बेहोश पड़े हुए दोस्तों को भी साथ में ले जाओ। दोस्तों, जो बात उस हंटर को समझ आ गई वो बात सारे को समझ में नहीं आई, जो चर्च के 10 ग्रेट सेंट्स में से एक है और जिसकी गिनती रुबेरियस के बैटल सेजेस में की जाती है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि यहाँ क्या हुआ है, मगर हम आर्च बिशप के खूनी को यूं ही जाने नहीं दे सकते, जिसका डियाब्लो ने जवाब कुछ इस तरह दिया। दोस्तों, आज के एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना चलेगा। मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। I play Ruby cause she hoeing. Mr. Brownie birds, I'm flowing. Keep it drained, my money growing. Give me brain war, total soaking. Squirt a squad, my voice in the ocean. Give me pussy and rubby with lotion. We evolved and it caused a commotion. Hit the plug with them hyper potions. Some hyper potion. Yeah, yeah, yeah. Johnny, grow out, hit you with a leaf.